सो गाइज आज हम यहाँ पे इसके कनेक्टिविटी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है बोट की एयरडॉप्स अल्फा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्टिविटी रिलेटेड मैं सारे सॉल्व जो है आपको देने वाला हूँ, इसको कैसे कनेक्ट करना है, इवन जो है अगर आप इसको कनेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो है आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ के सेटिंग्स में आना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आपका जो भी आप यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं नो डाउट यहाँ पे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, बट फिर भी मैं आपसे इससे जो है एक एडिशनल चीज़ शेयर करके रख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो है आपको यहाँ पे ब्लूटूथ को आपको ऑन कर लेना है एंड यहाँ से जो है आपको एयरबड्स को बाहर की तरफ जो है निकाल लेना है पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का जो एयरडॉप्स अल्फा लिखा हुआ जो आ जाएगा यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बोट की एयरडॉप्स अल्फा आ चुकी है। जस्ट वहाँ पे नॉर्मल आपको वन टाइम पे यहाँ पे टैप करना है एंड जो भी आपके कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे फिर से इसको अनपेयर कर दे रहा हूँ एंड दोबारा से दिखा दे रहा हूँ इसको कनेक्ट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ की टोटल जो है सेटिंग्स ऑफ कर दिया एंड देख सकते हैं मैंने इसे दोबारा से यहाँ पे इसे ऑन किया है। एंड जो भी इसके रिगार्डिंग अगर आपकी अलग से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा किस तरह से फिर से आ गई तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड याद रखिए यहाँ पे जो अलाउ कॉन्टैक्ट्स जो है एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स कॉल जो है इसको आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। कॉज यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी कॉल्स एक्सेट्रा आती है तो उनको अगर आपको यहाँ पे एक्सेस लेना है देन इसको आपको सॉरी यहाँ पे डबल ये जो मेरी कैंसिल पे जो है प्रेस हो जा रही है तो यहाँ पे आपको जो है इनको अलाव को सेलेक्ट करना है देन पेयर पे आपको अलाव करना है। जैसे आप पेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लाइट जो रेड इंडिकेशंस हो रही थी वो अब जो है ब्लिंक जो है बहुत स्लो होगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर की जो है इंडिकेशंस में आ जाएंगी एंड वो बहुत ही स्लोली यहाँ पे आपकी इस तरह से ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गई इसकी कनेक्टिविटी। इंस्टेंट वेक एंड पेयरिंग का ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ जस्ट इसको आप यहाँ पे जैसे ही आप इसे बॉक्स में यहाँ पे दोबारा से रख देते हैं इसके चार्जिंग मोड पे चली जाती है तो ये यहाँ पे जो है आपकी ऑटो डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जैसे कि मैंने कहा ये इंस्टेंट वेक एंड पेयरिंग का ऑप्शन है तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे जो है एक बैटरी की इंडिकेशन साइन दिखने को मिल जा रही है, दैट मीन जो है आपकी ये कनेक्ट हो गई है। मैं फिर से थोड़ा क्लोज ला के दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो है जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ से ऑप्शंस ये हट जा रही है एंड जैसे ही इसको यहाँ पे मैं लिड को ओपन कर रहा हूँ तो देन यहाँ पे जो है एक अलग से ये देखिए बैटरी के साथ आ जा रही है जो कि कनेक्टिविटी है। तो ये इंस्टेंट वेक एंड पेयरिंग जो है ईजिली कनेक्ट हो जा रही है। सेकेंडली अगर बात रहती है कि कनेक्टिविटी नहीं हो रही है देन आपको इसको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की आपको तो अपना जो ब्लूटूथ का जो सेटिंग्स है आपको अपने ब्लूटूथ के सेटिंग्स में आना है आपके फ़ोन जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहाँ से आने के बाद जो है आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आना है एंड एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद याद रखिए जो भी इस तरह के आपके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो कि लाइक देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी टू अदर डिवाइसेस इसको आपको ऑन रखना है, मीडिया सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑन रखना है एंड डिस्प्ले कोड जो है स्टैंडर्ड है कोडेक है उसको आपको ऑन रखना है, तीनों चीज़ को जो है आपको ओपन यहाँ पर रखना है। एंड उसके अलावा जो क्या करना है कि ये जो लिस्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी अगर आपके आ रहे हैं लाइक मैं यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से जो क्या करना है आपको इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद जो है यहाँ से आपको जो है अनपेयर कर देना है या फिर जो टोटली इसको फॉरगेट कर देना है। फर्स्ट टाइम के लिए कह रहा हूँ जगह अगर आपकी ये कनेक्टिविटी नहीं हो रही है देन आप इसको इस प्ले जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, फॉरगेट कीजिए एंड दोबारा से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नंबर वन। सेकेंडली है कि अगर ये डिपेंड करती है आपके जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत टाइम पर डिपेंड करती है, आप इसको जो क्या साइड कीजिए एंड इसके अलावा किसी अल्टरनेट दूसरे फ़ोन को यूज़ कीजिए जहाँ पे जो है इसको आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से इसको जो है ट्राई कीजिए वहाँ से कनेक्ट करने की, देन वो कनेक्टिविटी अगर हो जाती है देन आपके किसी फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकता है, नॉट श्योर बट ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से अब अगर आप जिस फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं उसमें कनेक्टिविटी ट्राई करने की कोशिश कीजिए वो कनेक्ट हो जाएगी। ये तो दो गो है हो गए इसके मेन फंक्शंस, ठीक है, जो कि आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो रीज़न आपका प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे अलग से मैं नहीं कहूँगा, मतलब यहाँ पे मैं नया जो कुछ नहीं है जो कि आपके जो बॉक्स हैं जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है बॉक्स में ही अलग से एक आपको मैनुअल बुक्स मिलती है, ठीक है। मैनुअल बुक्स को जैसे ही अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको रीसेट की आपकी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेकेंड लॉन्ग टच बोथ सीटीसीज फॉर 5 सेकेंड टू फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे आपको जो है रीसेट कर लेना है। अगर ये सब प्रोसेस करने के बावजूद भी अगर आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है
देन आपको क्या करना है कि आपका जो टच प्लेसेस है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, एंड जो है इसके बाद जो है ये टोटली रीसेट हो जाएगी। एंड रीसेट होने के बाद जो है सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपकी कनेक्टिविटी की है, जो भी मैंने अभी प्रोसेस यहाँ पर शेयर किया जैसे इसको कनेक्टिविटी कैसे करना है, उसको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली प्रिटी श्योर की आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रही है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसके ऊपर और भी कोई जो है दूसरा प्रोसेस यहाँ पर ट्राई करूंगा शेयर करने का, एंड आपकी जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा भी बेनिफिटेड हुए होंगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।